एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, आप प्यास आशा संकल्प को साधना के तीन आधार सूत्र मानते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मरमर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। बुद्ध कहते हैं, तृष्णा अर्थात आशा ही दुख का कारण है, इस दुविधा को दूर करें। जब तक हम शब्दों से अर्थ निकालने की प्रक्रिया में रहेंगे, दुविधाएं रहेंगी, और दुविधाएं भी बुरी नहीं हैं, दुविधाओं से विकास होता है। शब्द अपने साथ तमाम अर्थ रखते हैं और हर शब्द का अर्थ दूसरे शब्दों की सापेक्षिकता में होता है, उनकी रिलेटिविटी में होता है, यानी कि डायरेक्ट किसी वर्ड का अर्थ नहीं होता। शब्द जब भी हम कोई रखेंगे और उसका अर्थ निकालेंगे, तो उसके अगर हम डिक्शनरी मीनिंग में भी जाएंगे तो देखेंगे वो किन्हीं और शब्दों के परिप्रेक्ष्य में ही हमको स्पष्टता देता है। फिर शब्दों की एक यात्रा होती है, शब्द एक यात्रा करते हैं और नए नए अर्थ उनमें प्रवेश करते हैं, यानी किसी शब्द का एक फिक्स्ड अर्थ हो ऐसा नहीं होता। इसलिए जब भी बात कही जाए उसका आशय समझना होता है, उस बात की गहराई को समझना होता है। इसलिए ही हमेशा जो बातें आमने सामने होती हैं उनका जो मतलब है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि तब हम उस आशय को ग्रहण करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। लेकिन जब हम किताबों में पढ़ते हैं या हम उनकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आज के वक्त में सुनते हैं, तो हमारे लिए उसको स्पष्टता देने के कोई और दृष्टांत या उदाहरण नहीं होते, वो चीज़ अड़चन डालती है। यूं तो बात स्पष्ट है, तृष्णा और आशा इनमें फासला है। कबीर किस संदर्भ में उपयोग कर रहे हैं वो अलग बात है, बुद्ध तृष्णा शब्द का ही उपयोग कर रहे हैं, तृष्णा से आशा का अर्थ या तो तुमने लिखा है या किसी अनुवाद करने वाले ने लिखा है। बुद्ध ने कहा तृष्णा दुष्पूर है, यानी कि जो तृष्णा है, जो व्यक्ति की इच्छा का एक ढंग है, वो कभी न पूरा होने वाला है। कबीर भी अगर इस अर्थ में कहते हैं कि इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी, वो तो चलती रहेंगी, तो वो भी ठीक है। लेकिन आशा, आशा को हम ट्रांसलेट करेंगे होप, हिंदी इंग्लिश उर्दू हर भाषा का उपयोग कर लेना चाहिए जब हमें बात समझनी हो, क्योंकि कहां पर उसमें स्पष्टता ज्यादा आ जाए ये कहना मुश्किल होता है। होप या आशा ये बिल्कुल अलग बात है, पूरा जीवन इस पर खड़ा है। बिना आशा के तो व्यक्ति अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि आशा के साथ निराशा भी जुड़ी होगी, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, जीवन ऐसा ही है, विपरीत ध्रुवों में बहता हुआ, निराशा और आशा के दोनों ध्रुवों से चलता हुआ। और फिर मैं आशा में एक और एडजेक्टिव जोड़ देता हूं, गहन आशा, डीप होप। अब यूं तो गहन आशा का भी अगर हम शाब्दिक अर्थ करेंगे तो वो होगा गहरी आशा, बहुत गहरी आशा, लेकिन मैं उसे डिफाइन करता हूं गहन आशा को, कि उस तरह की आशा जो हमारे जीवन का हिस्सा है, जो आशा और निराशा से भी परे है। अभी तो डेफिनेशन है, दुनिया में जब भी कभी कोई मास्टर बोलेगा, कोई
चिंतक विचारक लिखेगा तो वो अपने ढंग से ही लिखेगा और उनमें अपने अर्थ डालेगा। मैं उस आशा को स्वीकार करता हूं जो आशा और निराशा से परे है, लेकिन उसके लिए कोई और शब्द अभी शब्दकोश में मुझे नजर नहीं आया, इसलिए मैंने उसको गहन आशा कह दिया। क्योंकि यूं तो व्यक्ति आशा और निराशा में डोलता रहेगा, निराश होगा, उसको तमाम तरह की नकारात्मक भावनाएं पकड़ेंगी, अवसाद पकड़ेगा, आशा उसको उत्साह देगा, जीवन में आगे चलने का भाव देगा। लेकिन हम जब किसी ऑब्जेक्ट से आशा बनाएंगे, यानी कि कोई ऐसी आशा की जो हमारे जीवन के उस भौतिक धरातल को पूरी करने वाली होगी, तो वो भी टूटेगी। उस अर्थ में हर आशा टूटने के लिए ही बनी है। लेकिन फिर और एक आशा का रूप है जिसकी मैं बात करता हूं, वो है जीवन की आशा, वो है अदम्य, वो कभी खत्म नहीं होती। यानी कि तुम अगर जीवन को देखो तो जीवन हर हाल में विकसित होता है, वो भी एक आशा है। यानी कि अगर आप अपने शरीर की तरफ ही निगाह ले जाएं और शरीर को एक प्रकृति की घटना माने, निसर्ग की, उसको एक नैसर्गिक घटना समझें, तो हमारा शरीर भी हर हाल में जीना चाहता है और वो हर हाल में जिएगा, रास्ते ढूंढेगा, उपाय करेगा और अपने अंदर ही उनके समाधान निकालेगा, निकालता है। आज हम इस चीज को जानते हैं। तो ये एक ऐसी आशा है जिसके बारे में हमको अभी पता भी नहीं, अगर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमको दिखाई देगी, लेकिन वो है। इसी तरह से हम पूरी प्रकृति पर अगर निगाह डालें तो उसमें भी एक जीवन के प्रति जो आशा है वो भरी हुई है, यानी कि जीवन विकसित हो रहा है, वो आगे ही जाएगा, वो कभी पीछे नहीं जाएगा। ये आशा निश्चित ही स्वागत योग्य है, और जब हम इसको समझते हैं तो ये हमारी साधना का आधार बनता है। अब जैसे प्यास, आशा, संकल्प, इन तीन आधारों की बात हमने करी, तो प्यास भी जरूरी है। जीवन में एक प्यास हमेशा सोई पड़ी है सबके प्राणों में, आगे जाने की, बढ़ने की। पेड़ों की तरफ हम देखें, उनमें प्यास है ऊपर उठने की, विकसित होने की, यानी कि जीवित बने रहने की। मुश्किल भी आए लेकिन पेड़ फिर भी बढ़ते हैं, वो उनके प्यास है। आप अमेजॉन के फॉरेस्ट में जाइए, खूब ऊंचे पेड़ वहां पर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जीवन की प्यास, वो जीवित रहना चाहते हैं और उसके लिए उनको सूरज की तरफ बढ़ना है, तो बढ़ते हैं सूरज की तलाश में, लंबे होते चले जाते हैं, वो पेड़ बहुत लंबे हो जाते हैं। तो ये जो सूरज की तरफ बढ़ना यानी जीवन की तरफ बढ़ना है, ये आशा ही है। उस आशा की ही मैं बात करता हूं। और संकल्प, संकल्प एक अलग गुणधर्म है। संकल्प यूं तो देखा जाए, अगर नैसर्गिक रूप से हम देखें तो नैसर्गिक रूप से भी संकल्प सबके प्राणों में प्रकृति ने डाला है। फिर अगर हम शरीर का उदाहरण देखें तो उसमें एक अंतर्निहित संकल्प है, वो हार नहीं मानता कभी, समाधान की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन चूंकि हम एक बॉडी माइंड का क्रिएशन है, शरीर मन का, तो यहां पर कभी कभी हमको अपने संकल्प को झाड़ पोछ कर निखारना भी पड़ता है। अपने संकल्प को हमें और हवा देनी पड़ती है, उसको विकसित करना पड़ता है, तो वो भी एक प्रक्रिया है। साधना में जब कोई व्यक्ति है और अगर उसके अंदर आशा ही ना हो विकसित हुए चले जाने की, तो विकास फिर कहाँ होगा। तृष्णा से इसको हमें अनुवाद नहीं करना है। तृष्णा है वो भ्रमपूर्ण इच्छाएं जो पूरी होती हुई जान पड़ती हैं लेकिन पूरी कभी नहीं होती। इसीलिए हम जब रेगिस्तान में कोई पानी समझ कर दौड़ता है, उसके लिए भी शब्द उपयोग करते हैं मृग तृष्णा, यानी लगता है कि पानी है लेकिन पानी होता नहीं। तो तृष्णा वो इच्छाओं का वो टाइप है, यानी कि हमारी आशाओं का भी वो टाइप है जिसमें हम ये परिकल्पना करते हैं कि वहाँ कुछ मिलेगा लेकिन वहाँ होता सचमुच में कुछ नहीं, तो उसकी पूर्ति तो कभी संभव नहीं है, उस अर्थ में वो दुष्पूर है, समझ रहे। लेकिन आशा जीवन की तरह विकसित हुए चले जाने की,
और इस भरोसे के, इस विश्वास के कि विकास कहीं रुकता नहीं है, वो आगे जाएगा, हम विकसित होंगे ही, वो आशा है। Thank you.